गजेंद्र पट्टी बाजारों में 5 महीने में किए गए विकास कार्यों की क्षेत्र में हो रही चर्चा। 5 महीने में हुए ग्राम प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य किए जाने से खुशी का माहौल है। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अयोला ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा गजेंद्र पट्टी मदौरा में वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य किए जाने से लोगों में खुशी का माहौल है। इसके संबंध में ग्राम प्रधान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा ग्राम सभा में इस 5 महीने में कार्यकाल में लगभग 2 किलोमीटर चक्रोड का कच्चा कार्य, लगभग 135 मीटर नाली, लगभग 370 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य, प्राथमिक विद्यालय गजेंद्र पट्टी बदारा में शौचालय निर्माण कार्य, कायाकल्प के तहत विद्यालय में डेंटिंग पेंटिंग सहित अन्य कार्य किए गए। उन्होंने आगे बताया कि आने वाली दिनों में मैं अपने गांव को टाउन एरिया की जैसी सुविधा देना चाहता हूं। वहीं इस संबंध में जब स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों से बहुत ही खुश हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जो कार्य पिछले 5-10 सालों में नहीं हो सका वह कार्य प्रधान जी ने सिर्फ 5 महीने में करके दिखाया है। सर ओखलाल गुप्ता, क्या हैं आप? मैं हेडमास्टर हूँ प्राथमिक विद्यालय भदौरा में। प्राथमिक विद्यालय भदौरा के हेडमास्टर हैं। आपके स्कूल में प्रधान जी द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो सरकार की योजना कायाकल्प है उसके अंतर्गत प्रधान जी ने काफी कुछ काम किया है और विद्यालय को जो 16 बिंदु हैं उसमें से करीब करीब सभी बिंदुओं को संतुष्ट कर दिया है। अच्छा, ये संतुष्ट हैं आप इनके काम से? हाँ, बहुत संतुष्ट। तो आपके स्कूल में देखे हैं अभी एक शौचालय जो बन रहा है, काफी उन्नत, बहुत अच्छा है, कहने का मतलब। क्या कहेंगे शौचालय के बारे में? शौचालय हमारे यहाँ सब ठीक है, सब में टाइलीकरण है, नल जल की व्यवस्था है, पानी की आपूर्ति अवैध रूप से होती है और हम उसे संतुष्ट हैं। बच्चे भी वहाँ के संतुष्ट हैं कि नहीं? बच्चे संतुष्ट हैं, बच्चों की संख्या हमारे यहाँ ब्लॉक में सबसे अधिक 331 है। अच्छा, सबसे अधिक है, ठीक। विजय विक्रम सिंह सोनू, कहाँ के रहने वाले हैं? गजेंद्र पट्टी भदौरा के। आपका भी नाम सोनू है, प्रधान जी का भी नाम सोनू है, क्या कहेंगे काम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं? काम कार्य बहुत उत्तम कार्य किया अब तक जो भी किया, हम लोगों की मर्जी से काम हुआ। यहाँ न प्रधान की मर्जी चली इस रोड पे, न किसी के यहाँ गांव वालों की मर्जी चली है। जैसा हम लोग चाहे वैसा रोड बनवाए, जितना मटेरियल जितना करना था सब कुछ हम लोगों ने अपने मन से करवाया। देख लीजिए सड़क की स्थिति, नहीं तो यहाँ आप खड़े होकर इतनी देर बातें नहीं कर पाते, इतनी बदबू आती थी। अच्छा, यहाँ बहुत बुरी नाली, अंदर नाली थी और सड़क भी खराब थी, मतलब इस पर ठेला जा सकता था, गाड़ी नहीं। अच्छा, और आज तो आप पूरे गांव में लेके गाड़ी निकल सकते। नाली वाली की क्या स्थिति है आपके यहाँ? नाली की बहुत बुरी स्थिति थी, अब सुधार हो रहा है, जैसे यहाँ की नाली सुधरी अभी और बाकी है काफी। हाँ। अरे बहुत काम बाकी है। आपकी ग्राम सभा भी काफी बड़ी है? हमारी ग्राम सभा काफी बड़ी है और यहाँ काम करीब करीब 10 साल से विकास का रुक गया था, 10 साल बाद यहाँ कुछ काम शुरू हुआ। अच्छा, मतलब इससे 15-10 साल पहले यहाँ कुछ काम हुआ था, 10 साल से तो एकदम बंद था। अच्छा, इनका सपोर्ट करेंगे आगे 5 साल? तन मन धन से, अब इससे ज्यादा नहीं कहेंगे, तन मन धन तीनों चीज। ठीक, नाम भैया आपका? दुर्गा प्रसाद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गजेंद्रपट्टी भदौरा। भदौरा के रहने वाले हैं। ये आपके गाँव में प्रधान जी द्वारा विकास किया जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या क्या काम बताना चाहेंगे आप जो इनके द्वारा अच्छा किया जा रहा है? प्रधान जी के द्वारा हमारे गांव में रास्ते का निर्माण बहुत बढ़िया किया गया है। यहाँ नाली बहुत गंदी नाली थी, आप यहाँ बदबू आती, यहाँ 4 पहिया वाहन बड़ी मुश्किल से निकलता था। तो आप देखिए इसमें बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत अच्छा है, गाँव वाले बहुत खुश है। हम तो देखे हैं काफी इनका कायाकल्प के तहत और जो है सब काम बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी, तो आप लोग जो है आपका गाँव पूरा संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या चाहते हैं, आगामी इनका सपोर्ट आगे करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तन मन धन से। अच्छा ठीक, प्रधान जी आपके कार्यकाल का, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपके कार्यकाल का 5 महीने का कार्यकाल आपका रहा, इतने में आपने क्या क्या काम किया है अभी तक? मैंने अपने 5 महीने के कार्यकाल में लगभग 2 किलोमीटर तक चक्रोड कच्चा काम किया और लगभग 130 या 35 मीटर तक नाली बनवा चुका और 370 लगभग 370 मीटर इंटरलॉकिंग का काम कर चुका। विद्यालय पे विकलांग शौचालय बनवाया, प्राथमिक विद्यालय पे। प्राथमिक विद्यालय का पूरा नाम? प्राथमिक विद्यालय गजेंद्र पट्टी भदौरा। अच्छा, और मैं अपने ग्राम सभा में
विद्यालय के डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था अभी चल रही है इस समय मौके पे। अभी आगामी दिन में मैं इंटरलॉकिंग का तमाम प्रस्ताव दिया हूँ, नाली का प्रस्ताव दिया हूँ। कुछ बजट कम होने के नाते इस समय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब बजट आने से पहले ही सब काम कर। अच्छा, क्या क्या आप मतलब अपने अंदर क्या तमन्ना बना के रखे हैं कि क्या क्या करेंगे अभी? मैं अपने अंदर इतनी तमन्ना बनाया हूँ कि गजेंद्र पट्टी भदौरा को टाउन एरिया की कैटेगरी में रखूँगा। जितनी सुविधा टाउन एरिया में मिलती है, जैसे लाइट, इंटरलॉकिंग, बिजली, पानी, आवास, ये सब मैं पैकेज करा के दूँगा। ठीक।